96 साल की पुरानी संसद को विदाई देते हुए और अच्छाई एवं हर बुराई को वहीं छोड़ते हुए देश के सांसदों ने नई संसद में एक नेक इरादे के साथ प्रवेश किया ही था कि हमारे एक सांसद ने ऐसे अमर्यादित, असभ्य और बेहुदे आचरण का प्रदर्शन किया जिससे हमारी नई संसद की ही नहीं बल्कि पूरे देश की बदनामी इस तरह से हुई जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती, फिर चाहे उन्हें कितनी बड़ी सजा क्यों ना मिले। पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे सांसद ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था जिन्हें हमें बोलते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। हम आगे आपसे कुछ कहें या आपको कुछ बताएं उससे पहले आप एक वीडियो देखिए और गौर से सुनिए ताकि आप आगे की बात को अच्छे से समझ पाए। मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जहां जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नगरी न्यूज और मैं हूँ प्रियंका। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। ये अल्फाज उन्होंने तब कहे जब देश के सांसद पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश कर रहे थे और एक नई शुरुआत कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद की होगी कि हम सब पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक नया आगाज करेंगे और देश के प्रति हमारा समर्पण ही हमारा सबसे बड़ा ध्येय होगा। लेकिन किसे उम्मीद थी कि वक्त का तकाजा उन पर ही सबसे पहले भारी पड़ेगा। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको धीरे धीरे आगे समझ आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एक वीडियो और चल रहा है जो आप देख सकते हैं, हम यहाँ आपको उसे सुना नहीं सकते बावजूद इसके कि ये वीडियो दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सांसद रमेश विधूड़ी का है, क्योंकि इसमें बोले गए शब्द ऐसे हैं जिन्हें सुनकर शर्म महसूस होती है कि हम हमारे पवित्र स्थल संसद में कैसे सांसदों का चयन करते हैं। वैसे अब तक आप सब ने ये वीडियो देख ही लिया होगा, यदि नहीं भी देखा है तो आपको ये वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाएगा जिसे आपको हर बार जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए जिससे आप सबको ये पता चल सके कि हमने कैसे नेताओं का चयन किया है। आगे हम इस मसले पर और बात करें लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। G20 की शानदार सफलता के बाद केंद्र सरकार द्वारा अचानक से संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था जहां देश की पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश किया गया और वो भी गणेश चतुर्थी के दिन। अब हम यहां गणेश जी का जिक्र क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता दें। कहा जाता है कि जब हम नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि हमें हमारे काम में सफलता मिले, हम अच्छे से काम कर सकते हैं और अच्छा व्यवहार भी करना सीखें। इसी स्पेशल सेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रमेश विधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बाहर देख लेने की धमकी तक दे डाली। जब विधूड़ी इस आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे तब पीछे बैठे सीनियर उन्हें टोकने की बजाय हंसते नजर आ रहे थे। हम फिलहाल के लिए उन हंसते हुए नेताओं का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये उनके सोचने का वक्त है कि उन्हें उस वक्त हंसने की बजाय क्या करना चाहिए था। रमेश विधूड़ी के इस बयान के बाद न सिर्फ सियासी गलियारों में भूचाल आ गया बल्कि देश के आम लोग भी कहने लगे कि हमने एक नई शुरुआत की थी, एक नया अध्याय लिखने की कोशिश की थी लेकिन शायद हमारे सांसद को ये सब मंजूर नहीं दिखता, वो नहीं चाहते कि देश एक नई शुरुआत करे जहां हम सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करें और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश दें। इस बवाल स्पीच के बाद भी लोकसभा स्पीकर की तरफ से तब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जब तक हर तरफ से हंगामा ना मचा हो, जबकि एक जिम्मेदारी बनती है लोकसभा स्पीकर की कि वे बिना हंगामे मचे ही इस स्पीच को बोलने वाले सांसद पर कड़ी कार्यवाही करते। हालांकि उन्होंने कार्यवाही की जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रमेश विधूड़ी को चेतावनी देकर छोड़ दिया और कहा कि आगे से वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो उन पर कड़ी कार्यवाही हो सकती है। अब हम शुरू में वापस लौटते हैं कि हमने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र क्यों किया था। रमेश विधूड़ी के इस बयान पर खुद से कार्यवाही नहीं करते हुए भारी दबाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया, बाकी उस पर क्या कार्यवाही होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल बनता है कि उनकी पार्टी के एक सांसद ने संसद में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है क्या वे उस पर अपनी पार्टी की इस ढीली कार्यवाही से संतुष्ट हैं और लोकसभा स्पीकर के निर्णय से भी।
क्योंकि ये स्पीच रत्ती भर भी ना तो संसदीय हो सकती है और ना ही मानवता के हित में, क्योंकि ये एक भद्दा आचरण है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, खासकर तब जब देश विश्वगुरु बनने के सपने देख रहा है। हालांकि इस बीच हमारे सभी सांसदों को देश के प्रधानमंत्री के उस वीडियो को हर एक दिन सुबह उठते ही सुनना चाहिए जो हमने शुरू में आपको दिखाया। कहा जाता है कि सिर्फ कहने भर से एक नई शुरुआत नहीं हो जाती, बल्कि हमारा आचरण बताता है कि हम एक नई शुरुआत के काबिल हैं या नहीं। हमारी नई संसद के शुरू होने के चौथे दिन ही सांसद का हमें वो आचरण देखने को मिला जिससे न सिर्फ प्रधानमंत्री और देश के ख्वाबों की नई संसद की बदनामी हुई है, बल्कि ये घटना एक ऐसा सबक भी सिखा गई कि हम 21वीं सदी के लोग हैं और दुनिया बहुत तगड़ी वाली तरक्की कर रही है, लेकिन हमें अभी भी हमारे आचरण पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। कहते हैं कि किसी बड़े पद पर आसीन हो जाने से कोई इंसान सभ्य नहीं हो जाता, हमें हर चलते कदम के साथ उसके व्यवहार पर निगरानी रखनी होती है ताकि हम देख सकें कि कहीं उस इंसान के कदम सभ्य दुनिया से भटक तो नहीं रहे। साथ ही वक्त आ गया है कि इस बयान से हमारी नई संसद की जो बदनामी हुई है उसे हम तभी हटा सकते हैं जब हम भ्रष्ट आचरण के नेताओं को चुनने के बजाय उन नेताओं को चुने जो आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे आचरण का प्रदर्शन करें जिनके बारे में वो ना से कह सके कि देखो ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें एक बेहतर दुनिया दी और सभ्य दुनिया के उस आचरण की सीख भी दी जिसे हम देखकर बेझिझक सीख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।